हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ऑल वेल, गुड। लेट्स गो फॉर टुडेज टॉपिक इज ईएमएफ ऑफ सेल एंड टर्मिनल वोल्टेज। क्या होता है ईएमएफ और क्या है टर्मिनल वोल्टेज? तो चलो सबसे पहले थोड़ा केमिस्ट्री का फंडामेंटल समझते हैं कि केमिस्ट्री में क्या होती है। तो क्या रेडॉक्स रिएक्शन होती है? ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शंस में एनर्जी की रिगार्डिंग दो टाइप के होते हैं। एक थर्मियोनिक होती है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, दूसरी ऐसी होती है जहां पे एनर्जी कंज्यूम होती है, एक्सोर्जिक। हमें एक्सोर्जिक जो होती है कि जहां पे एनर्जी रिलीज होती है, वो टॉपिक मुझे अभी कवर करना है कि एनर्जी मुझे रिलीज करे ऐसी कोई रिएक्शन चाहिए। क्लियर? अब पर्टिकुलरली हम लोग ऐसा ठोक के नहीं बैठेंगे कि यही रिएक्शन है और उसी में जाएंगे, एक एग्जांपल लेंगे, सब अज्यूम करेंगे। लेट्स टेक एक सेल लेते हैं, एक सेल लिया, ये सेल है जिसके अंदर इलेक्ट्रो लाइसिस सॉल्यूशन है। कौन सा सॉल्यूशन है? अज्यूम करो कि कोई H2SO4 जैसा सॉल्यूशन उसके अंदर है। कौन सा है? H2SO4। ओके, अगर H2SO4 की रिएक्शन होती है तो कैसे होती है? तो क्या H2SO4 की जब रिएक्शन होती है तो कुछ ऐसे होती है, ट्वाइस एच प्लस प्लस SO4 माइनस 2। मे बी ये जो रिएक्शन है वो एनर्जी को रिलीज करेगी एंड दिस एनर्जी इज नोन एज केमिकल एनर्जी। और यही केमिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। ठीक है, अब यहां पे जैसे ही ट्वाइस एच प्लस प्लस एसओ फोर माइनस टू होगा, इन दोनों के रास्ते अपोजिट हो जाएंगे। सपोज एच प्लस इस ओर जाएगा और जो एसओ फोर माइनस टू है वो कुछ इस साइड जाएगा। सपोज अब होगा क्या कि यहां पे सारे के सारे पॉजिटिव आना शुरू करेंगे, यहां पे सारे के सारे नेगेटिव आना शुरू करेंगे। ये केमिस्ट्री के हिसाब से होता था। तो इस रॉड को हम पॉजिटिव बोलेंगे, इसे हम नेगेटिव बोलेंगे। ठीक है, ये P, ये N। चलो कुछ और देखते हैं। ये सपोज रॉड है, इलेक्ट्रिक रॉड, ये दूसरा वाला जो कि शुरुआत में एकदम से खाली है, टोटली एम्प्टी हो, कुछ नहीं। अब ट्वाइस एच प्लस रिलीज हुआ और एक पॉजिटिव आयन यहां पे आया, एक नेगेटिव आयन यहां पे आया। ठीक, क्या है कि सोचो आप स्कूल में हो, क्लास में कोई नहीं है, आपको मस्ती सूझ रही है कि चलो आज सबको आने से रोकते हैं। तो सबसे पहले कौन आए? आप आ गए। आप क्या करोगे? दरवाजे पे खड़े रहोगे और कोई भी होगा उसे अंदर नहीं आने दोगे। क्लियर? तो ये क्या करेगा, यहां पे खड़ा रहेगा और अंदर नहीं आने देगा। आपके पास हाथ है तो आप रोकोगे, इसके पास क्या है? तो इसके पास है कोलंबियन, सॉरी कोलंबियन रिपल्सिव फोर्स। उसके पास है कोलंबियन रिपल्सिव फोर्स, वो रिपल करेगा। नहीं भाई, नहीं इधर नहीं आना है, सॉरी। लेकिन होगा क्या, शुरुआत में आप अकेले हो, आपकी इतनी ताकत नहीं है कि आप दूसरे को रोक पाओ, तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, आ जाएगा।
आपने इसे भी अपने टीम में शामिल कर दिया और अभी आप दो खड़े हो गए, ठीक है। और तीसरा आया, उसके पास भी अच्छी खासी एनर्जी थी, आपको धक्का दिया, वहां पे आ गया। चौथा आया, आ गया। पहले आप अकेले थे, फिर दुकेले हो गए, फिर टिकेले हो गए, अब चौकेले हो गए। अब जैसे आप चार आ गए, तो आप चार क्या करोगे? आपके पास सफिशियंट एनर्जी है, आप अब धक्का दोगे? नहीं भाई, अब नहीं। जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा, कोलंबियन रिपल्सिव फोर्स भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो जो पांचवा है वो इसके पास जाएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस के पास, कि भाई कुछ रिएक्शन कर, कुछ एनर्जी छोड़ और मुझे दे। तो जो एनर्जी लेगा वो क्या करेगा कि सपोज आपका जो पांचवा फ्रेंड होगा वो क्या करेगा, वो ये सोचेगा कि भाई मुझे अंदर जाना ही जाना है, कुछ तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव आयन है वो केमिकल रिएक्शन करवा के एनर्जी कंज्यूम करेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे कि आपका कोई फ्रेंड है, अगर उसको अंदर आना है तो वो क्या करेगा, थोड़ा सा 20-25 स्टेप पीछे जाएगा और फुल एनर्जी से दौड़ के आएगा सीधा आपके ऊपर, एनर्जी के साथ आएगा सीधा आपके ऊपर। आप चारों को गिरा के वो अंदर, मतलब पांचवा भी एंटर हो गए। अब आपने उसको भी शामिल कर लिया, भाई नहीं जाना है, तो फिर क्या होगा, छठा आएगा, छठा भी यही करेगा। हाँ, थोड़ा पांचवा गया था उससे और थोड़ा पीछे जाएगा और दौड़ के आएगा और यहां पे आ गया। ऐसे करते 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 दरवाजा एकदम फुल हो गया, आपके पास सफिशियंट स्टेबल एनर्जी हो गई। आपने देखा कि भी आपका कॉपी पेस्ट सामने वाले क्लास के जो लड़कियां है वो भी कर रही है, या तो सामने वाले क्लास के जो लड़के हैं वो भी कर रही है, ठीक है। अगर लड़के देख रहे हो तो सामने वाले क्लास में लड़कियां समझो, और लड़की है तो सामने वाले क्लास में लड़के समझो। तो उनका भी यही हाल होगा, छह आ गए, स्टॉप। अब क्या हो गया, अब आपके पास छह लोगों का सफिशियंट एनर्जी है कि आप किसी सातवें को रोक सको कर, नहीं भाई अभी नहीं आना है, सॉरी अभी नहीं आना है। तो यहां से कोई भी पॉजिटिव चार्ज यहां पे आने की कोशिश नहीं कर सकता, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स उतना ज्यादा हो गया है। मतलब कि क्या हुआ, रिपल्सिव फोर्स इज एफ ई, इनिशियली जो केमिकल एनर्जी थी, केमिकल फोर्स था एफ सी, वो इलेक्ट्रिकल फोर्स से बहुत ज्यादा था। एज टाइम इंक्रीज ये धीरे 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 क्या होगा, रिड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि वो रिएक्शन करते जा रहा है, एनर्जी छोड़ते जा रहा है, रिएक्शन करते जा रहा है, एनर्जी छोड़ते जा रहा है। और ये रॉड जो है वो क्या होगा, धीरे धीरे अपनी एनर्जी को इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि वो चार्ज को डेवलप कर रहा है। यहाँ पे सेम यहाँ पे होगा, ठीक है। एक टाइम ऐसा आएगा कि जो केमिकल एनर्जी जो है, केमिकल फोर्स जाने का है और इलेक्ट्रिकल फोर्स जो रोकने का है, वो दोनों सेम हो जाएंगे। और जैसे ही सेम हो जाएंगे, जो आपकी प्रोसेस थी वो प्रोसेस क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, कि भाई अभी कोई भी पॉजिटिव आयन यहां से यहां नहीं जा सकता और नेगेटिव आयन यहां से यहां नहीं जा सकता। मतलब प्रोसेस इज स्टॉप, सब बंद, स्टेबल कंडीशन, सब स्टेबल, ओके। अब ध्यान से सुनो, अभी इसके पास पॉजिटिव चार्ज, अभी इसके पास नेगेटिव चार्ज, इसका पॉजिटिव चार्ज वी प्लस, इसका नेगेटिव चार्ज वी माइनस, माइनस वी माइनस, ओके। मतलब इसका सपोज 10 वोल्ट, इसका सपोज माइनस 10 वोल्ट, ओके, इतना हो गया। तो इन दोनों के बीच का पीडी कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, इट्स वी प्लस माइनस वी माइनस, वी प्लस माइनस माइनस प्लस वी प्लस। और इस पोटेंशियल को वो लोग ईएमएफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईएमएफ। क्या होता है समझाता हूँ, अभी मतलब 10 माइनस माइनस 10 इट्स 20 वोल्ट। अभी सपोज ये तो सरेंडर हो गया इलेक्ट्रिकल फोर्स तो, सॉरी केमिकल फोर्स तो, कि भाई मेरा काम जितना था, मेरे पास जितना धक्का देने की क्षमता थी उतनी इसके पास रोकने की हो गई है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता।
मैं एक भी पॉजिटिव या नेगेटिव आयन को सेपरेट करके रॉड के पास नहीं पहुंचा सकता, मेरे पास उतनी एनर्जी है ही नहीं, आई एम टोटली सरेंडर। तो अभी आप क्या करोगे कि मुझे सपोज किसी और को एक पॉजिटिव चार्ज को मुझे यहां पे डालना है, मतलब के आपके सातवें नंबर के फ्रेंड्स को मुझे यहां पे सेट करना है, तो मैं क्या करूंगा सातवें नंबर के फ्रेंड को, कि आपका जो सातवें नंबर का फ्रेंड है ठीक है, उसके पीछे एक और लड़का उसको धक्का देगा, पुश करेगा, मतलब उसके पास जो एनर्जी है और एक्सेस एनर्जी ये होगी, ध्यान से सुनना, एक्सेस एनर्जी होगी, इसको कितनी एनर्जी चाहिए धक्का देने के लिए, इतनी, मतलब कि इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उतनी एक्सेस एनर्जी बाहर से आप जब उसको दोगे फोर्स के हिसाब से, धक्का दोगे फोर्स दोगे, तब ये यहां से उड़ के यहां पे आएगा। जब सातवें फ्रेंड के पीछे कोई और लगेगा, सातवें फ्रेंड के पास तो एनर्जी है लेकिन वो उसकी एनर्जी भी उसको देगा, सातवें फ्रेंड को धक्का मार के फोर्स देगा ताकि आप छह को तोड़ के वो अंदर आ सके। तो वो बाहर से जो एनर्जी चाहिए कितनी चाहिए, इन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस जितनी चाहिए, कितनी चाहिए, इन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस जितना धक्का आपको लगाना पड़ेगा, और उस धक्के को बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव धक्का, मतलब फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज अ वन काइंड ऑफ एनर्जी जो आप सप्लाई कर रहे हो, आप किसी आदमी को धक्का दे रहे हो, मतलब आप वर्क कर रहे हो, और वर्क में क्या होता है, एनर्जी एक्सचेंज होती है, तो आप अपनी एनर्जी सामने वाले को देते हो कि भाई ये लेके जा, ठीक है। तो यहां से 20 वोल्ट की एनर्जी ये आदमी आगे वाले आदमी को धक्का मारेगा और इसको यहां पे स्टेबल करवाएगा सातवें नंबर पे, लेकिन ये जैसे यहां पे गया ये पलटी मारेगा कि अब मैं इनके साथ हूं, और रिएक्शन फोर्स और बढ़ेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये एक बेसिक कंसेप्ट है कि भाई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है। डन, अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा आगे। क्या होता है कि आप एक सेल ले लो, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस कोई सेल ले लो, उस इलेक्ट्रोलाइसिस सेल के अंदर ये आपका सब केमिकल भरा हुआ है, इसके अंदर मैंने अपना पॉजिटिव अपना नेगेटिव डाल दिया, ये पी रॉड है, ये एन है, ठीक है, ये कोई पॉइंट ए है वेरी क्लोज पॉइंट, ये कोई वेरी क्लोज पॉइंट बी है, ठीक है, ये पूरा पॉजिटिव है, ये पूरा नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं टूवर्ड द नेगेटिव, जब प्रोसेस स्टॉप होगी, व्हेन दैट इज, अदरवाइज एक काम करते चलो, पी और ए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पी एंड ए इज वी प्लस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एन एंड बी is minus V minus. When there is no movement of electron towards N rod, अगर कोई N rod के आगे कोई movement नहीं हो रही है तो क्या होगा, तो याद रखना यहां पे दो बातें हैं, ठीक है, दो बातें आपको समझनी है कि ये मूवमेंट ना हो उसके दो रीजंस हो सकते हैं, एक तो सेल डिस्चार्ज हो गया हो,
ओके, और दूसरा सर्किट कनेक्ट नहीं हो, ओपन सर्किट हो। मतलब अगर आपके घर में घड़ी है, बंद हो गई है, ठीक है, तो उसके पास जो सेल है वो डिस्चार्ज सेल है, और अभी आप मार्केट में जस्ट नया नया सेल लेके आ रहे हो, वो ओपन सर्किट सेल है। दोनों में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन एक में करने की कैपेसिटी है, दूसरे में तो कैपेसिटी खत्म हो गई, क्लियर। और उस दोनों टाइम पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा पी और एन के बीच का, वो होगा वी पी ए माइनस वी एन बी। वी पी ए इट्स वी प्लस, वी एन बी इट्स वी माइनस, माइनस माइनस प्लस, और इसे कहते हैं ई एम एफ ऑफ सेल। इन इन ओपन सर्किट कंडीशन, ओपन सर्किट जब होगी तो ये सिचुएशन कुछ ऐसे होगी, ठीक है। लेट्स सर्किट क्लोज, आपने कनेक्ट किया कंडक्टिंग वायर से, रेजिस्टेंस डाला। अभी ध्यान से देखो और समझो, इलेक्ट्रॉन सर्किट जैसे कनेक्ट होती है, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट हो रही है। तो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आर टू टाइप्स, फर्स्ट एक तो इनसाइड देखो, इनसाइड क्या होती है पी टू एन, और दूसरी आउटसाइड, आउटसाइड क्या होती है एन टू पी। और हमें पता है बाय कन्वेक्शनल मेथड कि जो करंट होता है वो इसके ऑपोजिट मूव करेगा, जब करंट होगा वो इलेक्ट्रॉन के मोशन से ऑपोजिट मूव करेगा। अब देख दो कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पी एंड ए, इट्स अ वी, इट्स अ टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल वी, इट्स वी पी एन, ओके। अभी एक काम करते हैं, एक लाइन में लिखते हैं वी पी ए प्लस वी ए बी प्लस वी बी एन। अब ध्यान से सुनो और समझो, जब मैंने यहां पे जब मोशन बंद थी तो इसका मतलब क्या था पता है आपको, कि इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव था, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो नेगेटिव था। यहाँ पे मोशन बंद है मतलब कि ये दोनों सेम पोटेंशियल पे है, कौन से पोटेंशियल पे, सेम पोटेंशियल पे, और सेम पोटेंशियल मतलब कि इलेक्ट्रॉन कभी भी मूव नहीं करेगा। हमारा रूल क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन का मोशन तब होता है जब पोटेंशियल डिफरेंस हो, और वो भी हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन बंद था तो मोशन नहीं था, अब यहाँ पे क्लियर हो गया कि आपका जो करंट है वो मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है कि वी पी ए का पोटेंशियल था वी प्लस, वी बी एन का पोटेंशियल क्या था, तो वी एन बी का पोटेंशियल माइनस था, तो वी बी एन का क्या हो जाएगा प्लस, और ए और बी के बीच का पोटेंशियल कैसे मेजर करोगे आप, तो ए और बी के अंदर एक इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट फ्लो करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है ओम्स लॉ, वी इज इक्वल्स टू आई आर, ओके। लेकिन यहां पे रेजिस्टेंस कैसे आएगा, तो मैं आपको ये समझाता हूं, समझो सपोज अभी आप 1 किलोमीटर चल के जा रहे हो, ठीक है, 15 मिनट हो रही है नॉर्मल, और नॉर्मल सी थकान लग रही है, किसी को थकान ना भी लगे 1 किलोमीटर में। लेकिन अगर
सपोज ऐसा हो कि रेनी सीजन में बहुत ज्यादा पानी आ चुका है, बहुत ज्यादा, और अपने घुटने तक का पानी आ चुका है, और आज हमें 1 किलोमीटर जाना है और वो भी 15 मिनट में, तो क्या होगा सोचो। अगर आप 1 किलोमीटर 15 मिनट में कवर कर भी दोगे तो मेन प्रॉब्लम ये होगा कि आप थक बहुत जाओगे। क्यों? क्योंकि पानी जो है वो आपके मोशन को रेजिस्ट करता है, रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा। तो सेम थिंग, इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जाना है, लेकिन लेकिन इसके अंदर का जो इलेक्ट्रोलाइसिस, जो लिक्विड है, वो उसके मोशन को रेजिस्ट करेगा। सिंपल सी बात है, पानी को चीर के जाना है तो वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है आई आर, लेकिन यहां पे करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है तो मैं यहां पे इसे माइनस प्रीफर करूंगा, माइनस आई आर। डायरेक्शन ऑफ करंट इज माइनस आई आर, क्योंकि हमें लेना क्या है, ए टू बी, ओके, ए टू बी, और करंट कहां जा रहा है, बी टू ए, उल्टा, इसलिए मैंने यहां पे करंट की डायरेक्शन को माइनस मेंशन किया है। वी प्लस प्लस वी माइनस इट्स एप्सिलॉन, V is equals to epsilon minus IR. V is equals to epsilon minus IR. Got it? Okay. अब देखो, ये जो आपका पॉइंट है P पॉइंट, ठीक है, ये है N पॉइंट, सिंपल है, ये पॉइंट P, ये पॉइंट N। अब ध्यान से सुनना, P और N के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिला, ये रहा, कितना है, एप्सिलॉन माइनस आई आर, और वो सेम बाहर का होगा, जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे मिलेगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इसका मिलेगा, इसका जितना होगा उतना ही इसका होगा। तो यहां पे P और N के बीच में क्या है, सिर्फ रेजिस्टर, क्या है, सिर्फ रेजिस्टर। तो टर्मिनल वोल्टेज अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इट्स आई आर, इस तरफ भेजो आई आर प्लस आई आर, आई कॉमन ले लो, करंट कितना, करंट फ्लो होगा तो कितना रेजिस्टेंस आप एक्सटर्नल लगाते हो उसके ऊपर डिपेंडेंट है, ओके। तो ये हो गया आपका करंट का फॉर्मूला, एप्सिलॉन डिवाइड बाय आर प्लस आर, व्हेन R is equals to zero, मतलब कि external resistance की value zero है, आपने लगाया नहीं है, तो उस time पे epsilon divided by R, और ये जो होगा वो maximum current होगा, क्या होगा, maximum current आपको मिलेगा, I is equals to epsilon by R, sorry my mistake, small r, जिसमें R जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस है, R इज व्हाट, इंटरनल रेजिस्टेंस। कोई भी सेल ऐसा नहीं होता है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो हो, सिवाय कि उस सेल में वैक्यूम हो, अगर वैक्यूम है तो ही ये जीरो है, और वैक्यूम हो ऐसा कोई सेल नहीं है, क्योंकि वैक्यूम इलेक्ट्रोलाइसिस कभी नहीं होता है। तो R को जीरो करने के लिए मुझे सेल के अंदर लिक्विड की जगह पे वैक्यूम यूज करना पड़ेगा, और अगर वैक्यूम यूज करूंगा तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन का मोशन होगा ही नहीं, सेल बनेगा ही नहीं, क्लियर। तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो R आपको मिलेगा, वो कभी भी जीरो होगा नहीं, R नेवर बी जीरो, R नेग्लिजिबल होता है, बहुत छोटा, बट नेवर बी जीरो, क्लियर। चलो फटाफट से नोट लिख लो क्विक, हो गया, ओके, चलो। अब एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं है और हमें जाना है थोड़ा बहुत, क्योंकि JEE नीट में पॉसिबल है इसके MCQs आ भी जाए, तो हम कंसेप्ट के रिगार्डिंग जब बात करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा बहुत देखेंगे। ये तो हो गया, सेल काम कर रहा है, रेजिस्टेंस में करंट जा रहा है, धीरे 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 रेजिस्टेंस ने सेल की एनर्जी को खत्म कर दिया, तो मुझे क्या करना पड़ता है, सेल को चार्ज करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, सेल को चार्ज करना पड़ता है,
ये मैंने चार्ज किया। तो चार्ज करने का रूल है, चार्जिंग का रूल है। आप जब आपकी मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो जाती है तो आप क्या करते हो, आप चार्ज करते हो। कहाँ से? आपके घर के सप्लाई से। क्यों? घर के सप्लाई का जो पोटेंशियल है वो आपके मोबाइल की बैटरी के पोटेंशियल से ज़्यादा होता है। तो जब भी आप चार्जिंग डालो तो चार्जिंग में जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस डीसी मतलब डीसी सप्लाई होता है वो आपके को सेल के ईएमएफ से ज्यादा होना चाहिए। डीसी, ओके। अब की बार जो करंट होगा वो ऑपोजिट बिहेव करेगा, करंट ऐसे जाएगा। ऐसे जाएगा तो मतलब इन चार्जिंग कंडीशन, चार्जिंग में, इन चार्जिंग कंडीशन डायरेक्शन ऑफ करंट is reversed and therefore terminal voltage जो होगा वो माइनस की जगह पे प्लस हो जाएगा। क्यों? आपका रूल है माइनस और करंट ऑपोजिट हो रहा है, मतलब माइनस 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 प्लस, एप्सिलॉन प्लस आई आर, वी इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन प्लस आई आर, ओके। तो ये हो गया आपका चार्जिंग टाइमिंग। लेकिन होता क्या है, जब कोई बाइक यूज़ करता है, एक्टिवा यूज़ करता है, तो उन दोनों की बैटरी लगभग सेम होती है अगर चार्जिंग में चले जाओगे तो, ओके। लेकिन अगर कहीं आपको कोई चार्जिंग वाला नहीं मिला और आप सोच रहे हो चलो यार मैंने यहाँ पे देखा था कोई ट्रक की बैटरी चार्ज कर रहा था, मैं वहाँ पे पहुँच जाता हूँ। अब ये ट्रक की बैटरी बहुत बड़ी होती है, ठीक है, अगर वो बिना करंट को चेंज किए, बिना करंट को चेंज किए सीधा चार्जिंग शुरू करेगा तो आपकी बैटरी वहीं पे वहीं मेल्ट हो जाएगी, ठीक है, वहीं की वहीं मेल्ट हो जाएगी। इसीलिए ऐसा ना हो तो वो लोग बाहर एक रेजिस्टेंस रखते हैं। ये रेजिस्टेंस का काम क्या है कि करंट को कंट्रोल करता है, करंट कंट्रोल रेजिस्टर, करंट कंट्रोल रेजिस्टर है ये, करंट को कंट्रोल करता है, ओके। और इसके कारण जो हमारा टर्मिनल वोल्टेज होता है वो आई आर प्लस आर, ओके। सप्लाई पावर जो है वो कुछ इतना जाता है, जिसमें से सेल का जो चार्जिंग होता है वो कुछ इतना होता है, सॉरी, और जो लॉस होता है वो कुछ इतना होता है, ठीक है। तो ये सप्लाई पावर है वी आई, ये चार्जिंग है वो ईएमएफ के अकॉर्डिंग चार्ज होगा एप्सिलॉन इनटू आई, और जो लॉस होगा वो ये रेजिस्टर और सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण आपको लॉस मिलेगा, ठीक है। क्लियर, ऑल पॉइंट्स आर क्लियर ऑफ ईएमएफ द सेल एंड टर्मिनल वोल्टेज, दिस इज अ टर्मिनल वोल्टेज एंड दिस इज अ ईएमएफ, ओके। ये चार्जिंग का और डिस्चार्जिंग का हमने यहाँ पे यूज किया था। डिस्चार्जिंग मतलब जब सेल वर्क कर रहा हो तब की बात है, वी इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन माइनस आई आर, ओके। व्हेन करंट इज जीरो मतलब कि सेल जो है वो नो यूज है, उसी टाइम पे आपको वी इक्वल्स टू एप्सिलॉन मिल पाएगा। लेकिन जैसे ही आपने चेक करने के लिए आपने वोल्ट मीटर लगाया, वोल्ट मीटर, आपका सर्किट क्लोज, मतलब कि आप जो है एक सेल ला रहे हो
और यहां से आपने चेक करने के लिए वोल्ट मीटर लगाया तो ये जो आपका ड्यूरासेल है वो ड्यूरासेल 1.5 वोल्ट का मार्केट प्राइस मतलब मार्केट का स्टिकर है, लेकिन ये भाई साहब जो दिखाएंगे वो लेस देन 1.5 वोल्ट दिखाएंगे, क्योंकि आपने वोल्ट मीटर कनेक्ट करते ही आई को एक्टिवेट कर दिया, करंट शुरू हो गया हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल में, तो इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन का मोशन शुरू हुआ, करंट शुरू हुआ, आपका पोटेंशियल रिड्यूस हो गया। तो आप V इक्वल्स टू एप्सिलॉन बिना यूज किए आपको एक्सेप्ट ही करना है I इक्वल्स टू जीरो हो तब, क्लियर। जब करंट नहीं है तब V इक्वल्स टू एप्सिलॉन मतलब आप जो सेल मार्केट से लेके आए हो आपके टेबल पे रखा है तब ये होगा, लेकिन चेक करने के लिए आपने पोटेंशियल डाला तो आपको लेस देन ही मिलेगा, क्लियर। ओके, गॉट इट, ठीक है, तो लिख लो।